नमस्कार दोस्तों, तमाम निराशाजनक खबरों के बीच एक अच्छी खबर बिहार की राजधानी पटना को लेकर है, जिसने स्मार्ट सिटी की रेस में लंबी छलांग लगाई है। जी हां दोस्तों, पटना में पिछले कुछ महीनों में जो काम हुए हैं उसका असर रैंकिंग पर पड़ा है, जिसमें भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बिहार की राजधानी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के मुताबिक देश भर के 100 स्मार्ट शहरों की ताजा रैंकिंग में पटना 29वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि 3 महीने पहले यानी जनवरी में 38वें नंबर पर था। साफ है, पिछले 3 महीनों में पटना स्मार्ट सिटी के कार्यों में अपेक्षित गति आई है, जिसका नतीजा 9 स्थान के उछाल के तौर पर देखने को मिला है। अब अगली रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल होने का लक्ष्य लेकर कार्य किए जाने की बात हो रही है, जिसके लिए सभी योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना जरूरी होगा। अगर ऐसा होता है तो पटना वासियों को बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ और फायदा होना तय है। इसी कड़ी में खबर ये भी है कि पटना के व्यस्त इनकम टैक्स चौराहे से ट्रैफिक का दबाव कम करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए एक और सड़क का तेजी से निर्माण किया जाएगा। ये सड़क बेली रोड पर विद्युत भवन यानी ऊर्जा भवन के पीछे से निकलकर वीरचंद पटेल पथ पर मिलती है। पटना स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस सड़क को चौड़ा करने या कहें पुनर्निर्माण के लिए 2,06,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में इस पर मुहर लगा दी गई। सारी प्रक्रिया पूरी कर 10 दिनों में योजना को मूर्त रूप देने के लिए टेंडर निकालने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि स्मार्ट सिटी की ताजा रैंकिंग में पटना के बेहतर प्रदर्शन के बाद राजधानी में अधूरे कामों को नए उत्साह से पूरा करने की कोशिश की जाएगी।